अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1, और उसमें आज हमने पढ़ना है शार्ट क्वेश्चन। कल हमने पढ़े थे कुछ शार्ट क्वेश्चन, फिर आज जो बाकी रहते हैं हमने वो पढ़ने हैं। तो हम पेज नंबर देखें आप 32 पर, और बुक में से सवाल नंबर है 28 के, व्हाट इज़ द एक्सिलरी ऑफ ट्रेड, मामनीने तिजारत कौन कौन से हैं। मामनीने तिजारत जो हैं वो मदरजा ज़ेल हो सकते हैं। नंबर 1, बैंकारी। मामनीने तिजारत से मुराद हमने पढ़ा था ना कि अशिया को कारखानादार से सार्फिन तक पहुंचाने में जो वामिल मददगार साबित होते हैं उन्हें हम मामनीने तिजारत कहते हैं। अब मामनीने तिजारत कौन कौन से हैं, उसमें बैंकारी है। बैंकारी भी हम जब कारोबार करते हैं तो उसमें हमें मालियात कहाँ से मिलता है, बैंकारी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है उसमें जो हेल्प देता है वो है बैंकारी। नंबर 2 पे है ज़राए नक़ल-ओ-हमल। जब हम अपनी अशिया या मसनूआत बना लेते हैं तो कारखानेदार से मंडी तक पहुंचाने के लिए हमें ज़राए नक़ल-ओ-हमल की ज़रूरत होती है, तो वो भी मआवन यानी मददगार साबित होते हैं हमारी तिजारत में। मआवन का मतलब होता है मददगार, हेल्प करने वाला। तो मामीने तिजारत कौन कौन से हैं, कारोबार में जो हेल्प करता है हमें बैंकारी यानी हमें मालियात फराहम करता है, फिर ज़राए नक़ल-ओ-हमल जो हमारी बनाई हुई अशिया को मंडी तक पहुंचाता है, फिर उसके बाद है बीमाकारी। जब हम अपने कारोबार का इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हम नुकसान से बच जाते हैं, तो बीमा कराना भी हमारे लिए मामनीन साबित होता है। तो तीसरा, चौथा है फिर इसमें ज़खीराकारी। जब हमारा ज़रूरत से ज़ायद सामान बन जाता है तो फिर हम उसे ज़खीरा कर लेते हैं। इस तरह से ज़खीराकारी भी तिजारत में अहम किरदार अदा करती है। फिर है तिजारती मुतवस्सितीन। तिजारती मुतवस्सितीन जो है ताजिर यानी और सार्फिन के दरमियान जो दरमियान का दलाल होता है उसको हम तिजारती मुतवस्सितीन कहते हैं। ये जो है कारखानादार से ज़्यादा मिकदार में सामान खरीद कर सारिफ लोगों को फराहम करते हैं। फिर उसके बाद है ज़राए मवासलात। ये कम्युनिकेशन के ज़राए हैं। जब हमारा कारोबार बड़े पैमाने पे होता है, वसी होता है, तो फिर हम ज़राए कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। अपना ऑर्डर्स बुक कराने के लिए, माल वगैरह बनवाने के लिए हम मोबाइल को, टेलेक्स को, फैक्स मशीन को, इंटरनेट को, इन सब ज़राए को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम ज़राए भी तिजारत में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद है बाज़ारकारी। बाज़ार कहते हैं मार्केटिंग को। अगर मार्केटिंग बेहतर है तो वो भी तिजारत में हेल्पगार साबित होती है। उसके बाद है मालियात। मालियात फराहम करने वाले इदारे भी हमें कर्ज़े फराहम करके हमें हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह से ये अवामिल हैं 8 के 8 जो हमें तिजारत में अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 1 पे बैंकारी, नंबर 2 पे ज़राए नक़ल-ओ-हमल, नंबर 3 पे बीमाकारी, फिर ज़खीराकारी, फिर तिजारती मुतवस्सितीन, फिर ज़राए मवासलात, बाज़ारकारी और मालियात। ये 8ों शोबे जो हैं मामनीने तिजारत में शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 पॉइंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन नेशनल डेवलपमेंट। मुल्की तरक्की में कॉमर्स की अहमियत के 4 नुकात लिखें। जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा लॉन्ग क्वेश्चन, वहाँ से भी आप 4 लिख सकती हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने लहदे से दिए हुए हैं। कॉमर्स किसी मुल्क की इकतसादी तरक्की और सामाजिक फलाह बहबूद में बहुत अहम किरदार अदा करता है, जिसमें मदरजा ज़ैल पॉइंट है नंबर 1, कॉमर्स की बदौलत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अशिया की कीमतें एक जैसी रहती हैं, चूँकि मंडी में माल ख़त्म नहीं होने पाता और इस तरह से हमारी कीमतें यकसां रहती हैं। नंबर 2 पे है कॉमर्स की बदौलत कहत पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जिन इलाकों में कहत आ जाता है, कुदरती आफात नाजिल हो जाती हैं, कोई सैलाब आ जाता है, जलजला आ जाता है, ये टिड्डी दल का हमला हो जाता है, तो वहाँ फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, वहाँ पे फिर इन अजनास की कमी पड़ जाती है। तो अगर हमारे पास ज़राए आमदला रफ्त जैसी सहूलत मौजूद है तो हम ये किसकी बदौलत है, कॉमर्स की बदौलत है। अगर ये मौजूद है तो हम आसानी से अपने कहत पर काबू पा सकते हैं। फिर उसके बाद है कॉमर्स की बदौलत कारोबार को वसत दी जा सकती है। ये भी हमने तफसील से पढ़ा था थ्योरी में, कॉमर्स की बदौलत क्यों, चूँकि कॉमर्स में तो वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कारोबार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं। इस तरह से हम कॉमर्स की बदौलत अपने कारोबार को भी वसत दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्स की बदौलत मिल्की वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन है। हमारी ज़मीन जो है
एक कुदरती अतिया है, खजाने के तौर पर इसमें बहुत सारी मादियात भरी पड़ी हैं। कॉमर्स की बदौलत इन तमाम मादियात को निकाल कर अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करके मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। कॉमर्स की बदौलत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अशिया की कीमतें एक जैसी रहती हैं। नेक्स्ट है, कॉमर्स की बदौलत कहत पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। कॉमर्स की बदौलत कारोबार को वसत दी जा सकती है। कॉमर्स की बदौलत मुल्की वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारोबार और कॉमर्स में फ़र्क के 4 नुकात, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस एंड कॉमर्स। इस फ़र्क के 4 नुकात, कारोबार और कॉमर्स में फ़र्क के जो नुकात हैं, 1, कॉमर्स में तिजारत और मामनीन तिजारत शामिल हैं, जबकि कारोबार में तिजारत और मामनीन तिजारत के अलावा सनतकारी भी शामिल है। 2 पे है, कॉमर्स का ताल्लुक अशिया के तबादले से है, जबकि कारोबार में अशिया के तबादले के अलावा अशिया की तैयारी भी शामिल होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कॉमर्स को कम खतरात का सामना होता है, जबकि कारोबार को ज़्यादा खतरात का सामना होता है। कॉमर्स के लिए कम सरमाया दरकार होता है, जबकि कारोबार के लिए ज़्यादा सरमाया दरकार होता है। इसके 4 पॉइंट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्स और तिजारत में फ़र्क के 4 नुकात। 1, कॉमर्स में तिजारत और मामनीन तिजारत शामिल होते हैं, जबकि तिजारत में मामनीन तिजारत शामिल नहीं होते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कॉमर्स का मफहूम तिजारत से वसी है, तिजारत का मफहूम कॉमर्स की नस्बत महदूद है, यानी छोटा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्स में इंसानी, वक्ती, माली फासला और ख़तरात की रुकावटों को दूर किया जा सकता है, जबकि तिजारत में सिर्फ इंसानी रुकावटों को दूर किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्स के लिए कम सरमाया दरकार होता है, जबकि तिजारत के लिए ज़्यादा सरमाया दरकार होता है। कॉमर्स और तिजारत में फ़र्क के नुकात, 1, कॉमर्स में तिजारत और मामनीन तिजारत शामिल हैं, जबकि तिजारत में मामनीन तिजारत शामिल नहीं होते। कॉमर्स का मफहूम तिजारत से वसी है, तिजारत का मफहूम कॉमर्स की नस्बत महदूद होता है। कॉमर्स में इंसानी, वक्ती, माली फासला और ख़तरात की रुकावटों को दूर किया जाता है, जबकि तिजारत में सिर्फ इंसानी रुकावटों को दूर किया जा सकता है। कॉमर्स के लिए कम सरमाया दरकार होता है, जबकि तिजारत के लिए ज़्यादा सरमाया दरकार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर माशी सरगर्मियों की 4 मिसालें दें, यानी गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। गैर माशी सरगर्मियों की एग्जाम्पल्स जो हैं, 1, ज़ईफ़ों और मोहताजों की मदद करना। 2 पे है, बीमारों की तीमारदारी करना। 3 पे है, सैलाब जदगान की मदद करना। 4 में है, रूहानी सुकून के लिए इबादत करना। यानी गैर माशी सरगर्मियां हैं जिनका मकसद हसूल दौलत नहीं होता, उन्हें हम गैर माशी सरगर्मियां कहती हैं। वो माशी सरगर्मियां जिनका मकसद हसूल दौलत या नफ़ा कमाना हो, वो माशी सरगर्मियां कहलाती हैं। और गैर माशी सरगर्मियां वो हैं जो रज़ाए इलाही के लिए की जाएँ, जो अल्लाह की रज़ा के लिए की जाएँ, उनको हम गैर माशी सरगर्मियां कहते हैं। उनमें यह है कि जो बीमार हैं उनकी तीमारदारी के लिए इंसान जाए तो वो गैर माशी सरगर्मी होगा, ज़ईफ़ों और मोहताजों की मदद करना है तो वो गैर माशी सरगर्मी होगा, फिर सैलाब जदगान की मदद करना है वो माशी सरगर्मी होगा, या रूहानी सुकून के लिए आप लोग इबादत करते हैं तो वो माशी सरगर्मी में गैर माशी सरगर्मी कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 2, पेज नंबर देखें 39 पर, कॉमर्स के लेक्चर में पेज नंबर 39, चैप्टर 2, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या सोल प्रोप्राइटरशिप, कारोबारी तंजीम, और उस कारोबारी तंजीम में पहला है जो वो है वाहिद मिल्कियती कारोबार, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। जब कोई फर्द या अफराद मखसूस मकासद के हसूल के खातिर वसाइल और काविशों को मुनज़िम करने में करते हैं तो उसे तंजीम का नाम दिया जाता है। जब कोई फर्द या अफराद
यानी एक फर्द या बहुत सारे लोग मिलकर मखसूस मकासद, कोई ख़ास मकसद के हसूल की खातिर वसाइल यानी हमारे ज़राए मालियात और काविशों को मुनज़्ज़म करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसे एक तंजीम का नाम दिया जाता है। फिर तंजीम की दो सूरतें हैं। नंबर वन पे है गैर नफा बख्श या गैर कारोबारी तंजीम। गैर नफा बख्श या गैर कारोबारी तंजीम जिसका मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता या जो हमारे कारोबार में शामिल नहीं होते, अगर हम इस तरह के कोई फ़राइज सर अंजाम देते हैं तो उस तंजीम को हम कहते हैं गैर नफा बख्श या गैर कारोबारी तंजीम, जिसका मकसद ना हसूल दौलत होता है और ना ही नफ़ा कमाना होता है। तो ऐसी तंजीम को हम गैर नफा बख्श या गैर कारोबारी तंजीम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है नफा बख्श या कारोबारी तंजीम, जिसका मकसद क्या होता है, नफ़ा कमाना होता है, दौलत कमाना होता है या कारोबार करना होता है, तो इस किस्म की तंजीम को हम नफा बख्श तंजीम या कारोबारी तंजीम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, कारोबारी तंजीम की, जब कोई फ़र्द या अफराद मखसूस मकासद के हसूल की खातिर वसाइल और काफ़िशों को मुनज़्ज़िम करते हैं तो उसे तंजीम का नाम दिया जाता है। नंबर वन गैर नफा बख्श या गैर कारोबारी तंजीम, और दूसरे पे है नफा बख्श या कारोबारी तंजीम। अब हम लेते हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर नफा बख्श तंजीम। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन गैर नफा बख्श तंजीम। गैर नफा बख्श तंजीम क्या है? पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया, गैर नफा बख्श तंजीम से मुराद ऐसी तंजीम है जो बुनियादी तौर पर नफ़ा कमाने की गर्ज से कायम ना की गई हो, यानी जिसका मकसद ऐसी तंजीम चंद लोगों की मिलकर एक ऐसी काविश जिसका मकसद जो है नफ़ा कमाना नहीं है, बल्कि इसका बुनियादी मकसद अवाम की फलाह बहबूद में इजाफा और मुल्क की माशी तरक्की हो, यानी उनका बुनियादी मकसद क्या हो, अवाम की फलाह बहबूद में इजाफा और मुल्क की माशी तरक्की हो, ऐसी तंजीम को हम गैर नफा बख्श तंजीम या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मसलन सियासी तंजीम या कोई मजहबी तंजीम और समाजी तंजीम वगैरह, इन तंजीमों का ताल्लुक बनी नुए इंसान की बहबूद से होता है, यानी इंसान की फलाह बहबूद से होता है। ऐसी तंजीम का ताल्लुक इंसान की फलाह बहबूद से होता है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए अंजुमन बनाकर ये काम करती हैं, उनको हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, गैर नफा बख्श तंजीम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिटेबल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नफा बख्श या कारोबारी तंजीम। नफा बख्श या कारोबारी तंजीम से मुराद ऐसी तंजीम है जो नफ़ा कमाने के लिए कायम की गई हो, जिसका मकसद नफ़ा कमाना हो, जिसका मकसद हसूल दौलत हो। एक फ़र्द या बहुत सारे अफराद मिलकर अगर कोई जमात बनाते हैं, तंजीम बनाते हैं, अपनी काविशों को, अपने सरमाए को, अपने वसाइल को जमा करते हैं और उनका मकसद क्या है, नफ़ा कमाना है, नफ़े कमाने की गर्ज से वो कायम की गई हों, ऐसी तंजीम का ताल्लुक अशिया और खिदमात की पैदावार और फ्राहमी से होता है। ऐसी तंजीम का ताल्लुक अशिया और खिदमात की पैदावार यानी कोई कारखाना लगाना, कोई सनत लगाना या कोई सर्विसेज का कारोबार करना, तो इस तरह का जो है वो पैदावार या खिदमात की फ्राहमी से होता है। कारोबारी तंजीमें सार्फीन को मियारी अशिया खिदमात फ्राहम करके इनकी माशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा करती हैं। ये तंजीमें क्या करती हैं, ये लोगों को, आम लोगों को यानी हम जैसे सारिफ लोगों को मियारी और सस्ती अशिया मुहैया करके हमें खिदमात का मौका फराहम करते हैं ताकि हम माशी तौर पर तरक्की कर सकें, और इस तरह से ये माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। नफा बख्श तंजीम को कारोबारी तंजीम या तिजारती तंजीम का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, प्रॉफिटेबल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नफा बख्श या कारोबारी तंजीम। नफा बख्श या कारोबारी तंजीम से क्या मुराद है? नफा बख्श या कारोबारी तंजीम से मुराद ऐसी तंजीम है जो नफ़ा कमाने के लिए कायम की गई हो। ऐसी तंजीम का ताल्लुक
اشیاء اور خدمات کی پیداوار اور فراہمی سے ہوتا ہے۔ کاروباری تنظیمیں صارفین کو معیاری اشیاء خدمات فراہم کر کے ان کی معاشی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ نفع بخش تنظیم کو کاروباری تنظیم یا تجارتی تنظیم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے فارم آف پروفیٹیبل اور بزنس آرگنائزیشن۔ فارمز آف پروفیٹیبل اور بزنس آرگنائزیشن نفع بخش یا کاروباری تنظیم کی فارم بتائیں، اقسام بتائیں کہ اس کی کتنی اقسام ہیں۔ جب کوئی شخص کاروباری تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے مسئلہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کاروباری تنظیم کو اپنی ذات تک محدود رکھے یا دوسرے فرد یا افراد کو بھی اس میں شامل کرے۔ وہ اکیلا بھی کاروبار کا مالک اور منتظم ہو سکتا ہے اور دوسرے افراد سے مل کر بھی مشترکہ کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ فارم آف پروفیٹیبل اور بزنس آرگنائزیشن نفع بخش یا کاروباری تنظیم کی اقسام۔ جب کوئی شخص کاروباری تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کاروباری تنظیم کو اپنی ذات تک محدود رکھے یا دوسرے فرد یا افراد کو بھی اس میں شامل کرے۔ وہ اکیلا بھی کاروبار کا مالک اور منتظم ہو سکتا ہے اور دوسرے افراد سے مل کر بھی مشترکہ کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ یعنی ہم اکیلے بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، جس کو ہم سول پروپرائٹرشپ کہتے ہیں، جس کا تنہا مالک ہوتا ہے انسان، اور دو افراد مل کے بھی کر سکتے ہیں یا پھر دو سے زیادہ افراد مل کے بھی کر سکتے ہیں۔ جب ایک شخص کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کو واحد ملکیتی کاروبار کہا جاتا ہے۔ جب ایک سے زائد یعنی دو افراد مل کے شروع کرتا ہے اسے شراکت کہتے ہیں، اور جب دو سے زائد افراد پہ مشتمل ہوتا ہے تو پھر وہ مشترکہ سرمایہ کی انجمن کہلاتی ہے۔ تو اس طرح کاروباری تنظیم کی جو اہم قسمیں ہیں، نمبر ون پہ ہے سول پروپرائٹرشپ یعنی واحد ملکیت یا واحد آجر یا واحد ملکیتی کاروبار، ایسا کاروبار ہے جس میں اکیلا کاروبار کا ایک ہی شخص مالک ہوتا ہے، سرمایہ بھی وہی لے کے آتا ہے، نفع کا بھی وہی مالک ہوتا ہے اور نقصان کا بھی وہ تنہا مالک ہوتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں سول پروپرائٹرشپ۔ پھر نیکسٹ ہے پارٹنرشپ یعنی شراکت۔ جب ایک سے زائد یعنی دو افراد مل کر کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شراکت یعنی پارٹنرشپ۔ پھر نیکسٹ ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی، مشترکہ سرمایہ کی انجمن۔ یہ زیادہ سے ایک سے زیادہ اور کم از کم 20 افراد جب مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ پھر ہے کوآپریٹو سوسائٹی، کوآپریٹو سوسائٹی انجمن امداد باہمی کو کہتے ہیں، جس میں 20 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، ایک مکمل انجمن بنتی ہے اور وہ کس فلاح بہبود کے لیے کام کرتی ہے، انجمن امداد باہمی کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے منوپلی، منوپلی کہتے ہیں اجارہ داری کو، یہ بھی کاروبار کی ایک قسم ہے، نفع بخش یا کاروباری تنظیم کی ایک قسم ہے۔ پھر ہے سرکاری کاروبار یعنی پبلک انٹرپرائز، یہ بھی کاروبار کی ایک قسم ہے۔ پھر سیونتھ پہ ہے کارپوریشن، کارپوریشن سرکاری کارپوریشن۔ تو کاروباری تنظیم کی جتنی بھی ہم نے اقسام پڑھی ہیں، یہ ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اس لیے ہم ان تنظیموں کا پھر بعد میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے نیکسٹ۔ تو آج جو ہم نے پڑھا چیپٹر نمبر 2 کاروباری تنظیم یعنی بزنس آرگنائزیشن یا سول پروپرائٹرشپ، پھر ہم نے اس کی جو صورتیں پڑھی وہ تھی نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن یعنی غیر نفع بخش تنظیم، پھر ہم نے پڑھا پروفیٹیبل اور بزنس آرگنائزیشن یعنی نفع بخش یا کاروباری تنظیم، پھر تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس فارم آف پروفیٹیبل اور بزنس آرگنائزیشن یعنی نفع بخش یا کاروباری تنظیم کی اقسام۔ ان میں ہم نے لیا سول پروپرائٹرشپ، واحد ملکیت یا واحد آجر، پارٹنرشپ یعنی شراکت، پھر جوائنٹ اسٹاک کمپنی، مشترکہ سرمایہ کی انجمن، کوآپریٹو سوسائٹی، انجمن امداد باہمی، پھر منوپلی یعنی اجارہ داری، پھر پبلک انٹرپرائز یعنی سرکاری کاروبار، پھر ہم نے پڑھا کارپوریشن سرکاری کارپوریشن۔ اللہ حافظ۔ بس اتوار کو کرا لیں گے نا اس کی ونڈو، ہفتے کو۔